जमुई लोकसभा क्षेत्र के खैरा प्रखंड के अंतर्गत जो है ये आप सोनू जो जाता है मार्केट, वो जो आप देख सकते हैं पुल हमारे पीछे दिख रहा होगा, खास उसी नदी में नरेंद्र मोदी जी जो है 4 तारीख को आ रहे हैं और उन्हीं के लेकर के जो है तैयारियां यहां पर जोरों शोरों पर है। जैसा कि मैं बता दूं कि यहां पर जो है VIP लोगों को बैठने के लिए देख सकते हैं यहां पर बनाया गया है, लोग तंबू उम्बू बनाए हैं और साथ ही लगभग अभी यहां पर 300 कर्मचारी जो है अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। 3 हेलीपैड वहां पर जो है, यहां से दिखेगा नहीं लेकिन यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूरी जो है नदी में ही जा कर के 3 हेलीपैड भी बनाया गया है और उसी हेलीपैड पर शायद जो है चिराग पासवान और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है हेलीकॉप्टर उठेगा और वहां पर आगमन होगा और उसी से फिर एक जो है रास्ता बनाया गया है पूरी तरह से सिक्योर और उसी के माध्यम से जो है यहाँ पंडाल के निकट जो है नरेंद्र मोदी जी आएंगे और जितने भी तमाम जो यहाँ पर नेता होंगे माननीय और गणमान्य जितने भी हैं सभी लोग यहाँ पर आएंगे। देखिए मुख्य रूप से इसी तरह से, और जैसा कि मुझे बताया गया कि लगभग आज रात में लगभग 400 लोगों को जो है और मजदूर यहाँ पर आएंगे और काम करेंगे। पहली बार मैं यहाँ पर जब आया तो मुझे लगा कि ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पैसे की बर्बादी है, लेकिन जब यहाँ के एक मैनेजर हैं उनसे मैंने बात किया तो लगा नहीं कि यहाँ पर पैसे की बर्बादी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है हजारों मजदूरों को जो है यहाँ पर काम मिल रहा है, व्यवसाय मिल रहा है, तो उनसे कहीं ना कहीं जो है उनके परिवार का जो है भरण पोषण हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं। कहाँ चाचा, कहाँ घर हुआ आपका? सर कैंडी पड़ता है, कैंडी यही बगले में है जी। अच्छा, कहाँ आये लोग? ये सर काम कर रहे। कितना मिल रहा है? 400 सुनते हैं सर। 400 जी। कितना दिन से लगा रहे? यही कल से है। कल से लगे जी। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तू यह क्षेत्र के ना को जी, तो क्या लग रहा है कि मतलब कुछ फायदा होगा मोदी जी आ रहे हैं जी? सर जी, चिराग पासवान जो सांसद रहे यहाँ के, कुछ काम उम किए हैं? किए हैं काम। हाँ, तो उनका जीजा जी आ रहे हैं इस बार, लोग सही रहेगा सर, सही रहेगा, हम जीतेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या? हमारा नाम छोटे लाल सिंह। छोटे लाल सिंह, अच्छा, तो इसीलिए मतलब यहाँ पर काम कर रहे हैं ना जी? सर कब आएंगे मोदी जी, पता है आपको? कल सर आएंगे, परसों 4 तारीख है, परसों आएंगे जी, ना जी। तो कितने मतलब आप कितने दिन यहाँ पर काम कर लेंगे सब मिला करके, अगर शुरू से अंत तक देखा जाए तो? करेंगे सर काम, फिर खत्म हो जाएगा, सभी सब सामान को भेजना है। अच्छा जी, तो लगभग 10 दिन का आपको दिहाड़ी हो जाए जी सर। अच्छा, तो शुरू में लग रहा था यहाँ पर जो है लगभग आपके गाँव से कितने लोग यहाँ पर आए हुए सर? काम अभी करीब 500 आदमी लगभग, 500 आदमी आए हुए। देखिए थोड़ा सा दिखाइए, देखिए यही पूरे तरह से पंडाल बनाया जा रहा है और अभी यहाँ पर 300 लोग काम कर रहे हैं और 400 लोग जो है आज रात में आएंगे ना जी सर। अच्छा, ये बताइए जो यहाँ जो जो सांसद उम्मीदवार हैं, एक चिराग पासवान के जो हैं जीजा जी हैं जी, क्या इस बार लगता है कि वो जीत पाएंगे? सफल रहेंगे, एकदम सफल रहेंगे, एकदम कंफर्म जानते हैं? एकदम कंफर्म, आपका वोट उधर ही जाएगा? एकदम सारी वोट जाएगा, मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। मोदी जी के नाम पर वोट देंगे, तो क्या करे सर, सरकार उसका है, पार्टी है, तो हम लोग कोई भी जांच से मतलब। सरकार नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं जी? काम कर रहे हैं ना, बहुत काम किए मोदी जी से, प्रसन्न है, एकदम खुश हैं? खुश है, सब आदमी वोट देंगे हम लोग। तो देखिए ये जो जमुई लोकसभा क्षेत्र के जो है ये यहीं पर काम कर रहे थे और मोदी जी का आगमन जो है यहाँ पर होना है, सुरक्षा की व्यवस्था अभी लगभग यहाँ सो लगता है कि 100-150 कमांडो अभी ही आए हुए हैं। बातचीत आपको कैसा लगा? आप फेसबुक पेज पर देख रहे, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।